बस बस और इसी तरह से इधर आओ चलो चलिए, कहाँ पे छापेमारी करेंगे और कितनी देर ये अभियान चला है और क्या कुछ वस्तु ऐसी मिली है अंदर? कानपुर नगर जेल में आज रात्रि के समय लगभग सवा घंटे का ये अभियान भारी संख्या में फोर्स के साथ औचक निरीक्षण किया गया। ये वरिष्ठ अधिकारियों का, DGP महोदय का और चीफ सेक्रेटरी साहब का निर्देश था कि आपने देखा होगा कि इधर ये जेलों में से कई जेलों में से ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें और हरकतें पाई गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि यहाँ पर जाकर के जो हाई सिक्योरिटी बैरक में रह रहे हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनके यहाँ पर विशेष करके कि उनके आसपास कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना हो जो कि यहाँ से बैठ करके वो बाहर कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त हों, एक्सटॉर्शन में या गैंगवार में या किसी प्रकार की अन्य एक्टिविटी में, और यहाँ भी रह करके अनुशासित तरीके से रह रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए सभी बैरक में यहाँ पर छापा डाला गया और काफ़ी चीज़ें सब संतोषजनक पाई गई। सर, सभी थानों का फोर्स यहाँ पे है, इसकी क्या वजह? सभी थानों का फोर्स इसलिए क्योंकि लगभग इसकी स्ट्रेंथ करीब 2200 कैदी यहाँ पर बंद हैं, तो उन 2200 कैदियों का एक घंटे में पूरा सबकी तलाशी लेने के लिए भारी संख्या में फोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ये करीब 500 की संख्या में फोर्स लेकर के हम लोग आए थे। धन्यवाद, थैंक यू। डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बार इस समय शाम की और लेट इवनिंग पे एक औचक निरीक्षण कराया जाए, और यह निरीक्षण पूर्णतया औचक था। यहाँ आने से पहले जो यहाँ जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं और किसी को इसकी भनक नहीं थी, और इसमें सभी जो सीनियर मजिस्ट्रेट्स हैं, ADM साहिबान हैं और एडिशनल SPs हैं और आपके जितने यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हैं और मैं फोर्स, यहाँ पे एक औचक निरीक्षण रखा गया था और इसमें पूरी सघन जो है यहाँ पर हर बैरक की तलाशी ली गई, उसमें उनके सामान की तलाशी ली गई और उनके कपड़ों की तलाशी ली गई। तो इसमें मुझे यह कहने पे बड़ी खुशी हो रही है कि जेल में अभी इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है, कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु या कोई सामान ऐसा नहीं मिला जिस पे जो कि जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था, और सामान्य जो चीज़ें हैं जेल में साफ़ सफाई और विद्युत व्यवस्था, हॉस्पिटल का जो रखरखाव है वो भी सामान्य रूप से पाया गया, और इस जिस तरह की व्यवस्था अभी जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रख रखी है इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं और उनसे आशा रहेगी कि आगे भी इसी तरह का मेंटेनेंस रखते रहें। कितनी देर चला अभियान? करीब एक घंटे, करीब एक सवा घंटा करीब ये चला था। दिल्ली से भी यहाँ औचक निरीक्षण हुआ था, पाँच दिन चला था, कुछ समय कानपुर जिला प्रशासन 7 दिन का, उसके बाद आज निरीक्षण नहीं, ये हमारा अपना इंडिपेंडेंट निर्णय था, हमारा और SSP साहब ने इसको निर्णय लिया क्योंकि हम यहाँ पे आप SSP रहते हैं और जिलाधिकारी परेन इसके DIG रहते हैं यहाँ पे जेल के, तो हम यहाँ पर जब हमें लगता है, उचित लगता है, हम कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ भी ये बात आई थी कि औचक निरीक्षण होना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्यों ना जब औचक निरीक्षण होना चाहिए तो आज ही इसी समय निरीक्षण कर लिया जाए, तो वहीं पर निर्णय लिया गया इस हिसाब से डिस्कशन करके, और उसके बाद सभी अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया, उसके बाद यहाँ पर निरीक्षण करा गया। जेल साहब ने भी कहा कि अगर जेल में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई थी, आपने भी औचक निरीक्षण किया, कोई अनियमितताएं नहीं पाई, तो जेल सुप्रिंटेंडेंट के लिए कोई प्रशस्ति पत्र या कोई? ये तो यही बात करी है, मतलब आपका जो कार्य है और इस तरह से मेंटेन रहे, यही आपका मतलब प्रशस्ति पत्र है, जब आप और हम उनके बारे में यहाँ कैमरे में ऐसी बात कर रहे हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी प्रशस्ति है और अपने आप में प्रशंसा है, और इसके अलावा आप ऐसे ही मेंटेन रखें और आगे आपके उच्च अधिकारियों